एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय चैनल सैफ व्लाग बाय सभी जाफरी एंड कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ आपने नोटिस किया होगा कि मैं आज कल दो से तीन दिन पहले से अपने ब्लॉग में अपने चैनल का नाम पूरा ले रही हूँ यानी सैफ व्लॉग बाय सबी जाफरी तो आज इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगी और मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ये आ, कि मैंने नाम क्यों चेंज किया और कैसे नाम चेंज किया तो आज इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको आज इस व्लॉग में अपना नाइट रूटीन बताऊंगी नाइट रूटीन मेरा अक्सर अमूमन सेम ही होता है लेकिन आज कुछ स्पेशल डिश बन रही थी और वो बन रही थी पास्ता यानी पहने रबात या पास्ता बन रहा था और साथ ही साथ आप लोग हंसेंगे और साथ ही साथ लौकी की सब्जी बन रही थी क्योंकि ये फरमाइशी खाने थे किसी ने कहा था कि पास्ता ऑब्वियसली बच्चों ने कहा था कि नहीं मामा हम हम लौकी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो इसलिए मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पास्ता वो भी पहले रबात या पास्ता और साथ ही साथ लौकी की सब्जी तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता दूं दूँ पैनर की कि मैंने सिंपली टमाटोज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में चॉप करके रख लिया था और फिर उसको तेल में मैंने डाल दिया और तेल भी मैंने तकरीबन जो है वो वन टू टू टेबल स्पून लिए और उसके अंदर फिर चॉप किए हुए टमाटोज डाल दिए और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अच्छा इस दफ़ा मैंने ये टमाटो प्योरी फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है मैं कभी भी टमाटो प्योरी यूज़ नहीं करती थी लेकिन इस दफ़ा मैंने ख़रीद के इस दफ़ा ये टमाटो प्योरी को यूज़ किया और वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा टेस्ट आया इस तरह पास्ता के अंदर फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर डाला और क्रश्ड हुई भी आ, लाल हुई लाल मिर्च डाली यानी कुटी हुई लाल मिर्च नमक और ब्लैक पेपर ये आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं यानी आपको कितना नमक चाहिए कितनी मिर्चें चाहिए और कितनी ब्लैक पेपर चाहिए यानी काली मिर्ची कितनी तेजी चाहिए तो यह डालने के बाद इनको अच्छी तरह हमने मिक्स किया और साथ ही साथ मेरे पास टोमेटो कैचअप भी था और यह भी होम मेड टोमेटो कैचअप था इसकी भी किसी दिन में आप आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और इनको फिर मैंने अच्छी तरह डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको चला लिया अच्छा मेरे पास चिली गार्लिक सॉस नहीं था मैं इसमें वो भी डालती हूँ लेकिन मेरे पास नहीं था लेकिन अगर आप उसको एड ऑन करना चाहें तो आप चिली गार्लिक सॉस को इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका डाल दिया था तो यानी इसको थोड़ा सा हमें स्पाइसी टेस्ट देना होता है और मेन पहले बात है कि रेसिपी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी यानी स्पाइस होते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं खा पाते और फिर उसके बाद यहाँ मैं मैंने आ, हरा धनिया डाला था लेकिन मेन पासली डालते हैं पासले डालते हैं लेकिन मेरे पास पासले नहीं था तो इसलिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया था और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की लौकी की सब्ज़ी क्योंकि मैंने पास्ता को बॉयल करके रख दिया था मैंने कहा फिर मैं थोड़ा सा लौकी की सब्ज़ी नाल क्योंकि खाने में देर थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब ही पास्ता को इसके अंदर डाल के मिक्स करूं जब मुझे खाना सर्व करना हो तो यहाँ पे बन रही थी लौकी की सब्ज़ी लौकी की सब्ज़ी नॉर्मल बनती है जिस तरह अच्छा बहुत से लोग जो है वो सिर्फ जीरे में भगा करते हैं लेकिन मैं प्याज और जीरे दोनों में भगा करती हूँ तो प्याज ली छोटी सी और जीरे और उसके बाद ज़ीरा डाल दिया और ये देखिए मैंने स्पून रेस्ट लिया था दराज से जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इस मैंने आपको दराज का जो ब्लॉग दिखाया था तो उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने स्पून रेस्ट लिया था और इसको मैं इस तरह इस तरह यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जब मैं खाना बनाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं स्पून कहाँ रखूँ तो मैं किसी भी आ, जो है वो पॉट के जो आ, कैप होता है यानी ढक्कन जो होता है उसके ऊपर रख दिया करती थी और स्लैब पे मुझे ऐसे ही रखना नहीं अच्छा लगता था या तो प्लेट लेती थी तो प्लेट के ऊपर रखती थी तो ये वाला स्पून रेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा मेरे पास एक और है आ, रबर का स्पून रेस्ट लेकिन वो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता था तो मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती थी और इसके अंदर जो है वो ढक्कन का भी एक मतलब आप इसके ऊपर ढक्कन भी इस तरह रख सकती हैं जैसे कि मैंने रखा हुआ है तो फिर बैक टू द रेसिपी ऑफ लौकी तो लौकी में मैंने प्याज काट दी थी आपके सामने उसके बाद जीरा डाला उसके बाद लौकी डाली और उसके बाद इसके अंदर टमाटोज भी डाल दिए और उसके बाद नमक मिर्च और उसको अच्छी तरह नमक और लाल मिर्च मैंने यूज़ किया मैं कुटी हुई मिर्च जिसको इस्तेमाल करनी है वो भी कर सकते हैं क्योंकि मेरी अम्मी जो है इसके अंदर कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हैं और मैं पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हूँ तो इस तरह इसको अच्छी तरह हमने चलाया और थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पर रख दिया और ये हो गई थी तैयार लौकी की सब्जी और साथ ही साथ आज मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगी जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है वो मैं आके आपके साथ शेयर करूंगी और पास्ता के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि उस वक्त मेरे पास सॉसे थे तो मैंने इसको सिंपली माइक्रोवेव के अंदर गर्म किया फॉर टू मिनट्स और फिर उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के उस बैटर के अंदर डाल दिया जो मैंने पूरा पास्ता का बनाया हुआ था और उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने जो बॉयल हुआ पास्ता था वो पूरा इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया तो ये मज़ेदार पैन रिया तैयार नाइट रूटीन जो है मेरा कुछ खास नहीं होता क्योंकि मगरब की नमाज़ के बाद बच्चों को जो सा होमवर्क करवाने के बाद फिर उसके बाद मैं आती हूँ किचन में साथ ही साथ मैं आपको वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैंने आपसे कहा था तो बहुत बुरी लगती है बुरी नहीं लगती यानी मैं बहुत बुरी बनाती हूँ और वो है चपाती चपाती मैं बहुत ज़्यादा बुरी बनाती हूँ इसी वजह से अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा चपाती बनाते हुए लेकिन आज मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ चपाती बनाते हुए तो ये सिंपली क्योंकि एक तो चपाती कब पड़ गई थी क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मेड ही बनाती हैं लेकिन सर्दियाँ थी तो मैंने कहा चलो आ, क्यों ना मैं रोटी बना लूँ तो फ़िलहाल मैं ये इस तरह रोटी बना रही थी अब मैं बैक टू माय टाइटल यानी टाइटल में मैंने आपको एक तो अपना डाइट रूटीन बताया था और प्लस मैंने आपको बताया था यूट्यूब की तरफ से अपडेट अच्छा ये वाली अपडेट जो है यूट्यूब की तरफ से एक महीने पहले आई हुई थी जो मैंने कहा आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँ मेरे पास यूट्यूब की तरफ से एक ई आई हुई थी यूट्यूब हैंडल चेंज करने की अब यूट्यूब हैंडल चेंज करने की यानी उन्होंने एक चॉइस दी थी आपको कि आप अपने चैनल के नेम के साथ कोई ऐसी निशानी या कोई ऐसे नंबर्स या कोई ऐसे सेंटेंस uh, लगा सकते हैं तो ये सिर्फ आप ही का होगा यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम सैब व्लॉग है अब अगर आप सैब व्लॉग को सर्च करेंगे तो सैब व्लॉग के बहुत सारे नाम से चैनल खुल जाएंगे लेकिन अगर मैंने जैसे ना अब मैं बोल रही हूं कि सैब व्लॉग बाय सभी जाफ्री का सर्च करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल खुलेगा तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि YouTube हैंडल की जो निशानी होती है वो होती है ऐट द रेट यानी एट द रेट से स्टार्ट होता है यानी अगर आप मेरे चैनल का नाम आप देखेंगे तो ऐट द रेट सैफ ब्लॉग बाई सभी जाफरी आ रहा होगा तो जिन जिन लोगों ने अभी तक YouTube हैंडल चेंज नहीं किया तो वो काइंडली कर लें और बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास चाहे चाहे छोटे हों या बड़े हों इन सब के पास ये वाली ईमेल आई हुई होगी यकीन तो मेरे पास भी आई हुई थी तो मैंने भी इसलिए एट द रेट सैफ ब्लॉग बाई सभी जाफरी से चेंज कर लिया तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है तो ये था मेरा आज का व्लॉग और अब मैं खाना अपने लिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने सबको सर्व कर दिया था और मुझे भी खाना था पास्ता लौकी की सब्जी मुझे पसंद है लेकिन मुझे खाना था पास्ता मेरा पास्ता खाने को लाइट सा फूड खाने को दिल चाह था तो मैंने खाया था पास्ता अब बाकी जो है अपने शोहर को मैंने दी लौकी की सब्जी क्योंकि उन्हीं की फरमाइश में लौकी की सब्जी बनाई थी मैंने तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़